हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं फिर से अपना स्केटिंग करने के लिए। इधर आप देख सकते हैं पूरा स्केट वगैरह लेकर के आ गए हैं। एंड इधर आते ही ये देखिए ये क्या देखने को मिल रहा है, पूरा इधर से जो है बैर गिरा हुआ है। तो इसको अभी मैं झाड़ू वाड़ू लेकर आ गया हूँ इसको क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले इसको फटाफट से क्लीन कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। आ जाओ, सबका ड्यूटी मिलेगा सफाई अभियान में। चल 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 चल, वीडियो कल मिल जाएगा। A few moments later. तो गाइस अभी फाइनली जो है ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। इधर ये देख सकते हैं, इधर ये जो है चिपका हुआ है पूरा, गाड़ी के चक्के के नीचे आया के पूरा चिपक गया है। तो ये तभी छूटने वाला नहीं है, फिलहाल एक दो दिन में वो भी निकल जाएगा। तो अभी जो है अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी जो अपना स्केट वगैरह पूरा लगा लिया हूँ। तो फाइनली अभी मैं अपना प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गया हूँ। और इधर देख सकते हैं अपने सारे दोस्त लोग भी ड्यूटी में है अभी, तो इनका भी ड्यूटी चल रहा है। गुड्डू भाई भी अपने ड्यूटी में ही है। तो फिलहाल जो है अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी आज जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऐसे बैठ करके चलाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल देखो अभी बताने में ही गिर रहा हूँ, तो अभी आगे क्या होने वाला है मेरे खुद नहीं मालूम है। ये मेरा पहला दिन ही होने वाला है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई इसमें तो बहुत बार गिरने वाला हूँ मेरे को मालूम है, फिर भी ट्राई करते हैं। इधर किधर जाए, पैर का पीछे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है यार। Oh no! तो गाइस फिलहाल
इतनी प्रैक्टिस में मेरे को ये थोड़ा बहुत अभी पता चल रहा है कि हाथ का ये जो बैलेंस है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि मायने रखता है आपको स्केटिंग सीखने के लिए। ये यदि मैं बैठकर ऐसे चला रहा हूँ और हाथ को अगर ऐसे नहीं करता हूँ तो मेरा बैलेंस ऑटोमेटिक डिसबैलेंस हो जाता है। तो यदि मैं क्या गुंडा बनेगा रे, बार बार गिर ही रहा हूँ बताने में ही चला। तो गाइस मैं यही बोल रहा था कि यदि मैं अपने हाथों को अगर सोचूं कि ऐसे हाथ इस पे रख के चलाऊं तो ऐसे मैं नहीं अभी चला सकता हूं। फिलहाल मेरे को स्केटिंग चलाने के लिए ये जो बैठकर चलाने के लिए हाथों का पोजीशन जो इस तरह से रखना एकदम पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना हाथ ऐसे कि ये मैं नहीं चला सकता हूं। तो फिलहाल यदि आप लोग भी कभी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ का तो आप लोग भी कोशिश करिएगा हाथों का पोजीशन जो है कुछ इस तरह से फैला करके करें ताकि आपको बैलेंस बनाने में मदद मिल सके। तो फिलहाल अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी और करते हैं और देखते हैं क्या होता है। रुक जा। अरे यार इसमें ब्रेक कैसे लगे। तो गाइस अभी जो है लगभग दोपहर का 1 बजने को जा रहा है और हम लोग जो है अभी सुबह से जो है खाना वाना खा करके नहीं आया है। तो फिलहाल अभी जो है अपना पेट पूजा करने का समय हो रहा है तो हम लोग अभी जो है इधर से निकल रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलता आपसे फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड टेक केयर।